अधिकारी ने दिया बयान तो छिड़ गया घमासान और शुरू हुई सरकार की तकरार। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। आप देख रहे हैं भारत की बात, और भारत की बात की शुरुआत बिहार की बड़ी खबर से। एसएसपी यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बयान पर बिहार सरकार में फूट पड़ गई है। जी हां, बीजेपी एसएसपी पर एक्शन की मांग कर रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी एसएसपी के समर्थन में उतर गई है। एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी, जिसको लेकर बीजेपी भड़क गई। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है, वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है, तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार पुलिस की तारीफ करते हुए कह रही है कि बेवजह इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। एसएसपी महोदय से बात करने के बाद जो ज्ञात हुआ है वो यही है कि जो भी आरोपी अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनके फर्द बयान, उनके कन्फेशन के आधार पर ही एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विषय यही है कि बिहार की पुलिस ने साजिशकर्ताओं को पकड़ा है। अगर किसी ने गड़बड़ी की है, तो वह शिकंजे में आया है, और आने वाले समय में उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। दरअसल पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने पटना से दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसी दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिस पर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। आपको सुनवा देते हैं कि एसएसपी साहब ने आखिर कहा क्या था। अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।